वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज है ईद का फर्स्ट डे। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और मेरे घर वालों की तरफ से भी। तो चलते हैं रूटीन की तरफ। सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ की बेडशीट चेंज करने। बेडशीट वगैरह मैंने निकाल ली थी और मुझे फ्रेश होना था तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। और पहली ईद तो बिल्कुल ऐसी गई है मेरी कि ना पूछें, क्योंकि पहली ईद पर बिल्कुल सो के गुजारी है। ऑलमोस्ट सबके जिसकी कुर्बानी नहीं हुई होगी तो ऐसे ही गया होगा उनका पूरा दिन। मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही गया है। खैर, उसके बाद मैंने ये बेडशीट बिछाई है और घर का काम किया। उसके बाद मैं इतनी निडाल थी कि बस मैंने मोबाइल ही यूज़ किया है पूरे दिन। दांत में था दर्द और ये सेकंड डे की वीडियो है। और सेकंड डे हमारा आ गया था सुबह सुबह गोश्त आ गया था, वो बांटना भी था। तो अम्मी अकेले इसको कर रही थी, थैलियाँ वगैरह जो बनानी होती हैं वही पैकेट्स बना रही थी। तो हमने फिर उठ गए, हमने कहा अगर अम्मी के करेंगी तो अम्मी तो 6 घंटे लगा देंगी, चलो हम उठ जाते हैं। और यहाँ कमरे में इसी वजह से अंधेरा क्योंकि हम दोनों बहनें सो रहे थे। और फिर उठ गए, फिर हम दोनों ने बहनों ने थैलियाँ वगैरह बनवाई, अम्मी के साथ हेल्प की। और फिर है ना, जो गोश्त रखना था हमें तो ज़्यादा रखना नहीं था, सारा बांट देना था। और फिर उसके बाद अब्बू डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे थे, हम थैलियाँ बना रहे थे। तो अम्मी में तो गोश्त को हाथ ही नहीं लगा रही, ना मैं गोश्त खाती। तो मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा था जब ये गोश्त आया, क्योंकि मुझे देख के बहुत हो रहा था और जी इतना ख़राब हो रहा था। मतलब कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन, मैंने भूखी रही हूँ और अभी भी मैंने स्टील गोश्त को हाथ ही नहीं लगाया। जो हमारे पक रहा है ना, सिर्फ उसकी ग्रेवी वगैरह खा रही हूँ मैं। मतलब गोश्त से ऐसी नफरत सी हो गई। खैर, ये भी हिस्सा है बस। हाँ, मैंने कलेजी ज़रूर खाई, कलेजी मेरी मोस्ट फेवरेट है तो कलेजी मैं खा लेती हूँ। और अभी आगे देखेंगे आप, कलेजी भी बन रही होगी। खैर, मैंने रेसिपी इस वजह से शेयर नहीं की, मैंने बताया ना तबीयत सही नहीं थी तो कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। हमारे पूरे घर ने कपड़े भी नहीं चेंज किया था और मैं तो इतनी लेजीनेस आ गई हूँ। और यहाँ बन रही है मज़ेदार कलेजी, अभी फुल बनी नहीं है, ऑलमोस्ट बनने वाली है, तैयार होने वाली है। तो ये देखें, अभी से इतनी मज़े की लग रही है, जब बनने के बाद तो और मज़े की लग रही है। इसकी खुशबू इतनी आ रही थी ना कि बस मेरे से रुका ही नहीं जा रहा था। और जब मैंने खाया तो इसके बाद ही मेरे दांत में दर्द हो गया, पता नहीं क्यों। खैर, एनीवे, कोई नहीं, दांत का दर्द तो हो ही रहा है। मुबारक तो बोलो, ये भी ईद होती है, अगर इस पर पैसे नहीं मिलते तो क्या हुआ, ईद तो होती है ना ये। आपने मेहंदी नहीं लगाई, आपने भी मेहंदी लगाई ना, मैंने मेहंदी लगाई, देखो आपने भी मेहंदी नहीं लगाई, दिखाओ नील पेंट लगाई है, नील पेंट दिखाओ। वाह, किसने लगाई है, मुस्कान आपने। अब मुस्कान आप ही क्या मंगा रही है, मुस्कान आप ही ने। हाँ, क्या मंगाया मुस्कान आप ही ने, गंदे के बाद। हाँ, बिरयानी। हाँ। बिरयानी तो अभी पकी ही नहीं है, अभी तो आपके नहीं थी। लूडो मंगाया है, कई बिरयानी मंगाई है, आज भी आ चुके हैं। आज ने तो ईद मुबारक भी नहीं करा, तैयार शैयार रहे हैं। ये मुंह पे क्या हो गया, मुंह पे क्या हो गया, एलर्जी हो गई। चलो, लेजी हो गई हूँ, मतलब कि ईद वाले दिन ही मैंने कोई कपड़े नहीं चेंज किए। अम्मी बोल के थक गई कि तुम दोनों तैयार हो जाओ, बट हमें तो होना ही नहीं है, हम तो ढीठ बन चुके हैं बिल्कुल ही। खैर, ये तो चलता रहता है, हर घर में ऐसे ही होता होगा, अम्मी बोलती होंगी और बेटियां फिर तैयार होती हैं। खैर, मीठी ईद पे तो तैयार हो जाते हैं क्योंकि ईदी की एक्साइटमेंट होती है कि ईदी मिलेगी, ये होगा वो होगा। और इस ईद पे क्या, इस ईद पे गोश्त का होता है, पर गोश्त और उसके बाद हमने उठकर नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते वगैरह भी कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने बताया ना, दिल ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, बस ये जो बन गया छोटा मोटा व्लॉग भी। तो बस उसके बाद ये कलेजी बन गई थी, फिर ये हमने शाम में खाई थी, इतनी देर से उठे थे हम लोग। और
यहाँ देख सकते हैं गोश्त भी काफ़ी सारा नहीं बट गया था। और उसके बाद अम्मी और बहन है ना एक घर के लिए थोड़ा बहुत निकाल रही थी ये तसले में, और ये निकाल चुकी हैं तसले में और बाकी सब समेट रहे हैं। बस हो गया जितना काम होना था, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी बैठे बैठे देखते देखते, वैसे कुछ काम नहीं करा बैठ के देखा है। और मैंने अम्मी को बताया ना मैं थक गई, तो अम्मी कहती तुमने करा ही क्या है, तो ये तो होता ही रहेगा खैर। और फिर ये थर्ड डे की वीडियो है और ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ है ना चाची का बकरा कट रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वैसे भी कोई कुर्बानी की वीडियो नहीं बनी, तो मुझे तो बहुत ही इस टाइम पे आकर बहुत ही रोना आता है, पर इस बकरे से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हुई क्योंकि मैंने बताया बकरा आते ही चल गया था। मैंने व्लॉग भी डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें ये हुआ कि इनका ना सुबह जब हम सो रहे थे ना ये आया, और जब मैं ये उठकर वीडियो बनाई डायरेक्ट मुझे पता चला बकरा अजीब हो रहा है, तो मैं जल्दी से भागी, मैंने मोबाइल उठाया और मैंने फ़ौरन कैप्चर कर लिया। उसके बाद मुँह वगैरह वॉश किया, फिर उसके बाद मैं फ्रेश हुई। खैर यहाँ तो बकरा कट ही रहा है और ये यहाँ छुरी तेज ही नहीं थी, तो मैं बोल रही थी सही से काटो भाई। और ये सारे हमारे घर के बॉयज़ हैं, मतलब कज़न्स वगैरह हैं, तो ये ही सब मिल के काट लेते हैं क्योंकि हमारे होता ही है कुर्बानी के दौरान ही लोग जाते हैं। वैसे ये इनका अपना अपना काम है तो माशाल्लाह ये करते हैं, बट ये है कुर्बानी जैसे बकरा ईद होती है ना तो कसाईयों की ज़रूरत होती है, तो ये प्रॉपर काम जानते हैं सब कज़न्स, और सब कज़न मिलके जाते हैं तो अच्छी बात है। और कोई इतनी मुश्किल वैसी बात नहीं है कि लोग बोलते हैं कसाई ये है वो है, पर ऐसा कोई इशू नहीं होता, कसाई लोग भी अच्छे होते हैं, बट ये है कि हमारे सब मिल के काट देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, कसाई का पैसा बच जाता है। और अनाड़ी कसाई तो बहुत ही बुरे होते हैं, वो जो बेदर्दी से जानवर को करते हैं, छुरी तेज़ नहीं होती, इस तरह से होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर एनीवे आज का व्लॉग था बहुत छोटू मोटू सा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी।